नमस्ते, आप सबका स्वागत है। मैं हूँ मीठी और मैं हूँ अनुराग। किशोर का शोर, ये है हमारा नया गेम शो जहाँ हम किशोर किशोरिया मिलकर हमारी बातों को सामने रखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, शर्माएंगे नहीं, समझेंगे और समझाएंगे और हर उन सवालों का जवाब पाएंगे जो सवाल हमारे मन में उठकर हमारे मन में ही रह जाते हैं। कुछ सवाल, कुछ परेशानियाँ और कुछ जिज्ञासाएं जो हम एक दूसरे से कहने सुनने में झिझकते हैं, लेकिन जब तक नहीं होगा किशोर का शोर तो कैसे होगा उन पर गौर। इसीलिए हम प्रस्तुत करते हैं सच का डब्बा। यहाँ किशोर किशोरियाँ आकर अपनी समस्याएं रखेंगे और हम उन पर चर्चा करेंगे। आपको बताना है कि क्या है सही और क्या है नहीं। तो जोरदार स्वागत कीजिए हमारे विशेषज्ञ पैनल का, डॉक्टर स्नेहा और हमारी एएनएम दीदी सुचित्रा जी का। तो स्वागत करते हैं हमारे पहले खिलाड़ी गोपाल। और दूसरे खिलाड़ी सोमू। तो आज सच के डब्बे में देखते हैं कौन आया है। मैं 15 साल का हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मेरी यह दिक्कत है कि जो मेरा अच्छा दोस्त है उसकी मूछें निकल आई है और उसकी आवाज भी भारी है। जब भी मैं स्कूल में उसके साथ रहता हूँ लोग मुझे लड़की कह के चिढ़ाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है इसका, इसलिए मैं स्कूल जाना बंद कर चुका हूँ और अभी मैं घर पर ही रहता हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है। जैसा कि आप सबने अभी सुना कि इनके दोस्त इन्हें चिढ़ाते हैं, इनका मजाक बनाते हैं क्योंकि इनके शरीर का विकास पूरी तरह से भी हुआ नहीं। तो आप लोगों को एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, अभी आप लोग जिस उम्र में हैं इस समय आपका शरीर बदल रहा होता है। आपके शरीर में, आपके हॉर्मोन्स में बदलाव आ रहे होते हैं। इसे कहते हैं प्यूबर्टी, यानी कि यौवन। अक्सर 10 साल की उम्र से लड़कों के शरीर की लंबाई, वजन, ये सब बदलने लगता है, बढ़ने लगता है और करीबन 11.5 से 14.5 साल की उम्र में उनके हॉर्मोन्स में बदलाव, उनके गुप्तांगों में बदलाव, चेहरे और शरीर पर बालों में बदलाव के चिन्ह नजर आने लगते हैं। लेकिन ये सब बदलाव हर किसी में अलग अलग तरह से होते हैं, इसीलिए किसी को चिढ़ाना या घबराना ये सब सही नहीं है। तो आज हम प्यूबर्टी यानी यौवन के बारे में 2 प्रश्न पूछेंगे और आपको बताना है क्या है सही और क्या है नहीं। क्या किशोर किशोरियों को बदलते शरीर के साथ बदलती भावनाओं से भी गुजरना पड़ता है? उनके अंदर का गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन क्या इससे जुड़ा है? सही। सही जवाब। जिस तरह शरीर बदलता है उसी तरह भावनाएं भी। ऐसे में जरूरत है अच्छे दोस्तों की, समझाने वाले साथियों की और घर वालों की। अब दूसरा सवाल पूछेंगे अनुराग। दूसरा सवाल ये है, बहुत सारे लड़के परेशान रहते हैं कि उनकी हाइट छोटी रह गई, तो क्या उनकी हाइट कभी लंबी नहीं होगी, उनके शरीर का विकास नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। आपके शरीर की लंबाई, उसका बढ़ना, ये आपके माता पिता के ऊपर भी निर्भर करता है कि उनकी कदकाठी कैसी। और उसके अलावा सही व्यायाम, अच्छा खान पान, ये बातें भी जरूरी। तो क्या हमारी हाइट और बढ़ेगी, हमारे शरीर में और विकास होगा? बिल्कुल, अगर आप सही व्यायाम करें, अच्छा पौष्टिक भोजन करें तो आपके शरीर का विकास आसानी से हो सकता है। इसके अलावा इस उम्र में युवाओं को कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन का भी सेवन अच्छे से करना चाहिए। अब हमारा तीसरा और आखिरी सवाल, जो खुद पूछेंगी डॉक्टर स्नेहा। अपने मन की बातों को अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए, उन्हें किसी से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि कहने से, लोगों को बताने से लोग आपको कमजोर समझेंगे। सही या नहीं? सही। गलत।
किशोर उम्र में हमेशा ये बात परेशान करती है, मन में हजारों सवाल उठते हैं और वो परेशान करते रहते हैं कि किसको बताए किसको नहीं बताए, क्या ये मुझे चिढ़ाएगा तो नहीं, क्या ये मेरा मजाक उड़ाएगा। लेकिन आपको अपनी मन की बात कहनी चाहिए जिससे आपको सही परामर्श या मशवरा मिले, और ये बात बहुत जरूरी है। चाहे वो आपके घर का कोई बड़ा हो, आपका कोई दोस्त हो या आपका टीचर। किशोर का शोर एक अनोखा गेम शो जो सिर्फ हम जैसे किशोर किशोरियों के लिए। अगर आपके घर में कोई परेशान है, हैरान है, तो यहाँ हिस्सा लीजिए। हम हर किशोर से निवेदन करेंगे कि वो इस गेम का हिस्सा बने। तो सच का डब्बा आपका इंतजार करेगा, तो मन के हर विकार को दूर कीजिए, हिचकिचाइए नहीं, हम आपकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। ये बस आपकी आवाज पहुँचाने का एक जरिया है। सांझ हो या भोर, अब हर समय गूंजेगा किशोर का शोर।